नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नेहा की पाकशाला में। सर्दियों का मौसम, पकौड़े और गर्मा गर्म चाय बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के बहुत ही बढ़िया एकदम करारे करारे पकौड़े, जो कि हर किसी को बहुत पसंद आते हैं। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गोभी के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। गोभी के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोभी को इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है और आप देख सकते हैं कि थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हैं। बहुत ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं काटने हैं गोभी के, इसी तरीके के बड़े बड़े टुकड़े आपको पकौड़ों के लिए गोभी के कट करने हैं। और यहाँ पर मैंने एक काम और किया है, गोभी को मैंने नमक वाले हल्के गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए सोख करके रखा था और उसके बाद उसको साफ पानी से अच्छे से धो लिया है, जिससे कि जो हमारी गोभी है ना वो अच्छे से साफ हो जाए और उसके जितने भी कीटाणु होते हैं उसमें वो सारे निकल जाएं। अभी हम पकौड़ों के लिए घोल तैयार करेंगे। सबसे पहले तो अभी हमें इसमें डालना है 1 टीस्पून जीरा, हींग 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ये है 1/2 टेबल स्पून जिंजर चिली पेस्ट। आप चाहें तो अदरक को ग्रेट करके और मिर्च को बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके मुंह में अगर मिर्च चली जाए ना तो बहुत ही ज्यादा बवाल मच जाता है, घर में बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर जिंजर चिली पेस्ट का इस्तेमाल किया है। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 कप बेसन और 1/2 कप चावल का आटा। चावल का आटा जो है उससे पकौड़े बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनते हैं। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी या फिर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को पहले हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम पकौड़ों के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो अभी आप देखिए जो बैटर है वो ना तो बहुत ज्यादा ड्राई है और ना ही बहुत ज्यादा गीला है। इतना बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। पकौड़े का बैटर तैयार करते वक्त आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि बैटर बहुत ज्यादा गीला ना हो और जो पानी आप इस्तेमाल करें वो थोड़ा थोड़ा डालकर इस्तेमाल करें, एक साथ ज्यादा पानी न डालें। अभी हमारा जो गोभी के पकौड़ों का बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब हम पकौड़े सेकना शुरू करेंगे। पकौड़े सेकने के लिए तेल को मैंने गरम कर लिया है और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे पकौड़ों का और मीडियम साइज के पकौड़े बनाएंगे। बीच बीच में चलाते हुए और धीरे धीरे पलट पलट कर हम पकौड़ों को बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो देखिए पकौड़े जो हैं वो कितने बढ़िया सिक गए हैं, लग रहे हैं ना बढ़िया करारे करारे। तो इनको हम तेल में से निकाल कर एक प्लेट पर टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेंगे, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना पकौड़ों का वो टिश्यू पेपर सोक कर लेगा। इसी तरह से बाकी के बचे हुए बैटर से भी हम पकौड़े बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े तैयार है सर्व करने के लिए। आप अपनी मनपसंद चटनी, सॉस या फिर चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।